Hello students, this is Asha Verma, lecturer computer science and engineering from Government Polytechnic College Jhunjhunu. Aaj hum second year computer science ke ek vishay CS 209, subject ka naam hai internet and web technologies, aur usme hum unit 2 introduction to html padhte hain. Chaliye start karte hain. Sabse pehle dekhte hain html hota kya hai. To html ki full form hoti hai hypertext markup language. HTML सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है वेबसाइट डेवलप करने के लिए. तो हम कह सकते हैं कि HTML stands for Hyper Text Markup Language and it is a client side scripting language. ये client side की scripting language है जिसको कि हम static web pages design करने के लिए या create करने के लिए use करते हैं. यहाँ पर हर एक word का एक अपना meaning है. जैसे कि यहाँ देखते हैं HTML, H stands for hyper, T for text, M stands for markup and L is for language. अगर hyper की बात करें तो hyper का मतलब होता है कोई reference या link. It means जब हम किसी text को दूसरे text के साथ में किसी reference या link के द्वारा जोड़ते हैं तो वो बनता है एक hyper text. और text यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी data या इन्फॉर्मेशन. साथ ही साथ HTML में हमें कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स या प्री डिफाइंड टैग्स मिलते हैं जिनके द्वारा कि हम किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं. और लैंग्वेज बताता है कोई भी कम्युनिकेशन. तो HTML को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाइपर लिंक के द्वारा प्री डिफाइंड टैग्स यूज करते हुए कम्युनिकेट करना. तो हम वेब पेजेस के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं या शो करवा सकते हैं. तो HTML जो होती है, HTML को हम कह सकते हैं कि HTML इज़ ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज. ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वर्ल्ड में फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए. इसका फुल फॉर्म हमें पता ही है जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है. इट मींस वेब पेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ढांचा कैसा होगा. इट मींस कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, जैसे टेक्स्ट कहाँ होगा, कोई मीडिया कहाँ होगा, या फिर कोई इमेज हमने उसमें डाली है तो वो कहाँ किस पोजिशन पर होगी. तो किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रू HTML. और ये सारा वर्क किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ एलिमेंट्स. HTML के अंदर कुछ प्री डिफाइंड टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले करना है. जो एलिमेंट्स या जो टैग्स हैं HTML में पहले से मौजूद, उनमें बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हेडिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, पैराग्राफ, टेबल्स एट्सेट्रा, जो कि हम आगे आगे देखेंगे. ब्राउज़र के अंदर HTML टैग्स कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है जिसे कि हम शो करवाना चाहते हैं. तो HTML की अगर एप्लीकेशंस देखें, HTML कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, तो देखिए सबसे पहले जो मोस्ट वाइडली यूज है HTML का, वो होता है वेब पेजेस डेवलप करने के लिए या वेबसाइट क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट होता है इंटरनेट नेविगेशन. नेविगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो HTML हमें ये सुविधा भी प्रोवाइड करती है जिसमें हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट नेविगेशन भी हमें ईजिली प्रोवाइड होता है थ्रू HTML. HTML एक रिस्पॉन्सिव UI भी है. UI इज़ फॉर यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो HTML हमें देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रही है, जैसे मोबाइल पे भी हम आजकल यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सभी पे ये एज ए रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेस की तरह यूज़ की जाती है. साथ ही साथ HTML हमें ऑफलाइन सपोर्ट भी करती है कि एक बार हमने HTML में कोई वेब पेज क्रिएट कर लिया है और उसको ऑफलाइन हमने लोड कर लिया है एक बार, तो उसके बाद हमें इंटरनेट की ज़रूरत
नहीं होती है, क्योंकि पेज एक बार लोड हो चुका होता है तो आफ्टर दैट वो हमें उसी अवस्था में दोबारा देखा जा सकता है। इसके बाद गेम डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है HTML5, जो कि आजकल HTML का लेटेस्ट वर्जन है। HTML5 गेमिंग डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। HTML का अगर हम डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखें, एक बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो होता है सबसे पहले हम एक रूट एलिमेंट क्रिएट करते हैं जिसे कि हम कहते हैं HTML। तो ये बताता है हमारा कि यहाँ से हमारा HTML का डॉक्यूमेंट शुरू है। HTML ये स्टार्टिंग टैग होगा HTML, और इसी को क्लोज करेंगे हम एक फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा। एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर HTML, और ये एंगुलर ब्रैकेट्स के द्वारा इसे बंद किया जाएगा। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो कभी भी वेब पेज पर शो नहीं होती है, और बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वही हमें वेब पेज पर शो होती है। तो हेड सेक्शन के अंदर मोस्टली हम मेटा डेटा, या फिर जैसे कि वेब पेज का कोई टाइटल है या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है वो ही डालते हैं। और बॉडी टैग के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, जो कि हमें विजिबल करवानी है यूज़र को। साथ ही साथ HTML के बहुत सारे वर्जन है, जो कि आजकल हम सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि होता है HTML5। इसमें हमें सबसे पहले बताना होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है दिस वन। इसमें हर एक टैग को हमें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करना होता है। दिस वन इज एक छोटा ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, और इसके बीच में जो टैग्स लिखते हैं वो होता है हमारा टैग, जो कि हमें पहले से मिलते हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो टैग है फर्स्ट वन, वो है नॉट का सिंबल, फिर आप लिखते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप जो होता है वो बताता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। यहाँ आप लिखते हैं डॉक टाइप, और डॉक टाइप के बाद में आप लिखते हैं HTML। इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है, HTML डॉक्यूमेंट है, प्लस ये किस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन जो कि है HTML5 को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं HTML टैग। HTML टैग या HTML एलिमेंट को अगर हम कहें तो ये होता है रूट एलिमेंट। किसी भी HTML पेज का ये रूट एलिमेंट है। इसी रूट एलिमेंट के द्वारा सभी टैग्स कॉल किए जाते हैं। जितने भी हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है, ये सब कुछ सारा कुछ डिफाइन होता है बिटवीन HTML एलिमेंट, HTML स्टार्टिंग और HTML क्लोजिंग एलिमेंट के बीच में। हेड एलिमेंट अपन देख ही चुके हैं पहले कि हेड एलिमेंट के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। मेटा इन्फॉर्मेशन वो होती है जैसे कि हम यूज़र को वेब पेज पे शो नहीं करना चाहते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है टाइटल या लिंक, या फिर हम किस टाइप की स्क्रिप्ट अपने इस HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करने वाले हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हमें वेब पेज पर शो नहीं करवानी होती हैं। इसी तरह बॉडी सेक्शन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या ऐसा टैग या ऐसा डेटा लिखते हैं जो कि हमें यूज़र को वेब पेज पे विजिबल करवाना होता है, शो करवाना होता है। इसके लिए हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हेडिंग टैग, डिवीजन टैग, पैराग्राफ टैग, जो कि हम आगे देखेंगे। अब अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं HTML में तो उसे किस तरह से लिखा जाएगा और उसे किस तरह से सेव किया जाएगा और कैसे हम उसे रन करेंगे ब्राउज़र पर, वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो हमें प्रोग्राम कहाँ लिखना होता है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखना होता है। विंडोज़ में ये टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। आजकल नोटपैड प्लस प्लस भी बहुत ज़्यादा यूज़ में है, लेकिन हमें विंडोज़ के साथ में जो बेसिक मिलता है टेक्स्ट एडिटर वो होता है नोटपैड। तो आप विंडोज़ में नोटपैड में टेक्स्ट एडिटर में अपने इस प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे कि स्टेप टू में हमने कोई HTML प्रोग्राम लिखा है नोटपैड में। देखिए अभी ये नोटपैड में अनटाइटल्ड है, इट मीन्स इसको सेव नहीं किया गया है। हमने यहाँ पे सिंपल और सिंपल उस टैग को लिखा है। सबसे पहले वो डॉक टाइप, फिर HTML, और सीधा हमने बॉडी टैग लिखा है, और उसके बाद HTML को क्लोज कर दिया है। स्टेप थ्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है HTML का, इसको हमें सेव करवाना है। तो जब हम इसे सेव करवाएंगे
तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है इसका एक्सटेंशन होगा .htm या .html। आप किसी भी एक्सटेंशन से इसे सेव कर सकते हैं, या तो HTM या HTML। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एनकोडिंग का भी ध्यान रखना है कि जो एनकोडिंग है वो हमें सिलेक्ट करनी है UTF-8, जो कि ANSI द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड एनकोडिंग टेक्निक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो सभी जगह एक समान स्टैंडर्ड पर शो होगा, और जब हम ये फाइल को सेव कर देंगे तो वो फाइल हमें ब्राउज़र की मदद से हम उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से ये रन होगा या किस तरह से हमें लिखा जाएगा। जैसे कि मैं विंडो 10 में वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ मैं सबसे पहले नोटपैड खोलती हूँ। यहाँ पे हमने नोटपैड टाइप किया, तो देखिए सबसे पहले नोटपैड ही ओपन हो रहा है। इस नोटपैड में अब हमें क्या करना है, हमारा HTML का टेक्स्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसमें हम बताएंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो डॉक टाइप हम यहाँ लिख रहे हैं HTML, हमारा डॉक टाइप क्या है HTML है। उसके बाद HTML टैग लगाएंगे। सबसे पहले HTML के दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। तो इन दोनों सेक्शन को स्टार्ट भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। तो देखिए हमने सबसे पहले HTML लिखा, एक हेड सेक्शन बनाया और इसी हेड सेक्शन को हमने क्लोज भी किया है। इस हेड सेक्शन में एक टैग हम यूज़ कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है, हमारे वेब पेज के टाइटल को शो करता है, और ये कभी भी यूज़र को नहीं दिखेगा, या फिर आप उस वेब पेज का प्रिंट लेंगे तो उसमें भी नहीं दिखेगा। तो हम इसको टाइटल को अगर देखें तो हम लिखते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम, हमने यहाँ ऐसे दे दिया, और यहाँ पर इस टाइटल टैग को हम क्लोज कर देते हैं। जो भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं वो टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, दोनों ही आपको करने हैं। सबसे पहले ओपन कर रहे हैं और उसके बाद उसी टैग को क्लोज किया जाएगा बाय फॉरवर्ड स्लैश, ये स्लैश लगा करके उसे क्लोज किया जाएगा। तो ये है एक हेड सेक्शन जिसमें कि हमने एक टैग को यूज़ किया है टाइटल को। इसके बाद हम यूज़ करते हैं बॉडी सेक्शन। अब हमें वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन शो करनी है वो सब कुछ हम कहाँ लिखेंगे, इस बॉडी सेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टैग यूज़ कर रही हूँ, पी, पी इज़ फॉर पैराग्राफ। हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हमने बंद कर दिया है पैराग्राफ टैग को। यहाँ पे इस बॉडी सेक्शन को भी बंद करना ज़रूरी है, तो ये बॉडी सेक्शन बंद हुआ, और ये पूरा का पूरा जब हेड सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया, अब यहाँ पे हमने HTML स्टार्ट किया था, तो इस HTML को ही हमें फिर से बंद करना होगा। तो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जिसमें कि हमने नोटपैड खोला, नोटपैड में हमने ये कोड टाइप किया है। अब इस फाइल को हमें सेव करना है, तो आप देखिए इसे जब हम सेव एज करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि इस फाइल को कहाँ आपको सेव करना है। तो बाय चांस मैं इसे कह रही हूँ कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रही हूँ, इसका पाथ, साथ ही साथ इसका जो फाइल नेम है, हम सबसे पहले सेव एज फाइल टाइप ऑल कर देते हैं, और इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट, इसका नाम दिया है। अब यहाँ पे हम इसका एक्सटेंशन देंगे HTML, और साथ ही साथ इसकी एनकोडिंग है 8, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड एनकोडिंग है। अब इसे हम सेव कर देते हैं किसके नाम से, फर्स्ट डॉट HTML। तो जैसे ही डॉट HTML इसको एक्सटेंशन मिलेगा, ये एक ब्राउज़र में क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये देखिए एक ब्राउज़र की, अब ये देखिए दिस वन इज़ हमारा जो हमने HTML प्रोग्राम लिखा था वो ये है। अब जब हम यहाँ इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इसका आउटपुट दिखा, देखिए हमने बॉडी टैग में लिखा था हेलो वर्ल्ड, और हेड सेक्शन में हमने लिखा था इसका टाइटल। देखिए ये जो है ये चीज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है स्पेलिंग में, हम यहाँ थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ जाएंगे, इसमें ओपन विद करेंगे, और इसे अगर हम नोट पैड में ओपन करते हैं तो यहाँ पे
दिस वन प्रोग्राम, ये हम चेंज कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब इसको खोलते हैं, फिर से देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं इसमें। माई फर्स्ट प्रोग्राम देखिए चेंज हो चुका है, और हमने क्या चेंज करा, क्या प्रिंट करवाया था, हेलो वर्ल्ड। तो इसी तरह हम कोई भी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट HTML में बना सकते हैं और उसे रन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।